डिप्टी सीएम का गुरुवार को दुर्ग दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक ली और लोकसभा चुनाव को लेकर सभी मोर्चा प्रमुखों को जिम्मेदारी सौंपी। सीएम साय सरकार के 100 दिन पूरे होने पर कार्यकर्ताओं को सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी दी गई। इस बीच चुनावी बॉन्ड को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर दोष का ठिकरा फोड़ा, जिस पर डिप्टी सीएम ने पलटवार करते हुए कहा कि काले धन को रोकने के लिए बॉन्ड जारी किए गए थे। खड़गे और सोनिया जी को भी करोड़ों रुपए मिले हैं, उसके बारे में भी जानकारी दीजिए। कांग्रेस पार्टी निराधार और बेबुनियाद आरोप लगा रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड चुनाव में काले धन के उपयोग को रोकने का एक माध्यम बनाने की कोशिश थी और जिस पर सभी राजनीतिक दलों को चंदा मिला है। और क्या कांग्रेस पार्टी को वो काला धन है जो कांग्रेस पार्टी को मिला है 1600 करोड़ रुपए, ये सोनिया जी को और खड़गे जी को स्पष्ट करना चाहिए।